जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शाहरुख पटेल एक बार फिर हाजिर हूँ 17 सितंबर यानी बेरोजगारी दिवस पर एक रिपोर्ट को लेकर। आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे बेरोजगारी की परिभाषा, NSSO की रिपोर्ट, कोरोना की वजह से करोड़ों लोगों की गई नौकरियां, बेरोजगारी को कम करने के सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जनसंख्या का बेरोजगारी पर दबाव, उपाय सुझाने के प्रयास आदि हम जानने का शुरुआत करेंगे। बेरोजगारी किसी देश की श्रम शक्ति 16 से 64 वर्ष का वह भाग जो कार्य करने की इच्छा रखता हो तथा कार्य करने में सक्षम हो किंतु उसे बाजार के प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता हो उसे बेरोजगार कहते हैं। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को एक सप्ताह में 15 घंटे का कार्य नहीं मिलता है तो बेरोजगार कहलाता है, यानी 7 दिनों के अंदर किसी व्यक्ति को 15 घंटे का भी कार्य नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति बेरोजगार होता है। अब भारत ने बेरोजगारी की क्या रिपोर्ट है, क्या मापदंड मापन है वो देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक वर्ष यानी 365 दिनों के अंदर 273 दिनों का भी कार्य ना मिले तो वह व्यक्ति बेरोजगार होगा, या किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 8 घंटे से कम का कार्य मिले तो वह बेरोजगार होगा। बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के प्रकारों को जानने से पहले आइए जानते हैं बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट। हाल ही में कई राज्यों में नवयुवकों ने उग्र प्रदर्शन कर, थाली बजाकर और दीपक जलाकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कोरोना जैसी महामारी ने देश की रीढ़ पर प्रहार किया है, इसके चलते लाखों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बेरोजगारी पहले से एक ज्वलंत मुद्दा है, वहीं 2017-18 की रिपोर्ट की माने तो पिछले 45 वर्षों में भारत में बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इन इंडियन इकोनॉमी के अनुसार वर्ष अप्रैल माह के में 12.2 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नोटबंदी और GST की वजह से भी बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है। आइए जानते हैं देश की बेरोजगारी स्थिति। जब कभी बेरोजगारी का मुद्दा आता है तो केंद्र सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर चुप्पी सान लेती है। श्रम मंत्रालय ने बताया कि बेरोजगारी दर पिछले 45 वर्षों में उच्चतम स्तर पर है। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मुताबिक श्रमिकों की संख्या जो वर्ष 2011-12 में 472 मिलियन थी, वही वर्ष 2017-18 में मात्र 457 मिलियन रह गई। अखिल भारतीय स्तर पर पुरुषों की बेरोजगारी 6.2% है, वहीं महिलाओं की बेरोजगारी 5.7% रही। पिछले 6 वर्षों में 37 मिलियन श्रमिकों ने कृषि छोड़ दी है। कृषि की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब आइए जानते हैं सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं बेरोजगारी के लिए। वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए का ऋण का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंतर्गत सन 2022 में 22 तक 500 मिलियन कुशल कार्मिक तैयार करने का सरकार का लक्ष्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवार के प्रत्येक परिवार में से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। जम्मू कश्मीर के लिए हिमायत तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोशनी जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई। मनरेगा, स्टार्टअप, स्टैंडअप आदि योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई, मुद्रा योजना की शुरुआत की गई,
आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई। सरकार के लक्ष्य को जो कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का है, उसके लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, भावांतर भुगतान योजना, कृषि ऋण में सुगमता आदि कार्य किए गए। किसी भी राष्ट्र की बेरोजगारी यदि 4% से ऊपर हो तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती और माना जाता है कि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बेरोजगारी पिछले 3 सालों में 4% से अधिक ही रही है, वहीं 2017-18 में तो यह दर 6% से भी अधिक हो गई है। जनसंख्या को हम लोग बहुत समझते हैं, किंतु भारत से ज़्यादा जनसंख्या वाले देश चीन की बेरोजगारी दर हमेशा 4% के से कम ही रही है। हमें ज़रूरत है जनसंख्या को बोझ समझने के बजाय उसे संसाधन बनाया जाए और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की जाए। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, रोजगार के अवसरों को में बढ़ोतरी देने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, उद्यमता की भावना को बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत में वर्तमान में 3.5 करोड़ रोजगार सृजन की ज़रूरत है। कोरोना की वजह से 2.1 करोड़ सैलरी वाले लोग बेरोजगार हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो के अगला एक और वीडियो पार्ट आएगा, इसके अंतर्गत हम श्रम शक्ति भागीदारी, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के प्रकार और बेरोजगारी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल आशुरानी।